कर रहे हैं, हम अभी एडिबल ऑयल के बारे में बात करेंगे, है ना, कि ओवरऑल एक तो पहले येलो रेवोल्यूशन से हमने शुरू किया था, तो येलो रेवोल्यूशन है, फिर ऑयल सीड किस किस तरीके के यहाँ पर मिलते हैं, प्रॉब्लम क्या फेस की जा रही है जो ऑयल, है ना, एडिबल ऑयल सेक्टर में जो डेवलपमेंट की हम अगर बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, इनको हमने देखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें येलो रेवोल्यूशन की, येलो जैसे इंडिया में, है ना, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, उनमें से एक मेजर येलो रेवोल्यूशन भी है, ठीक है। किस चीज के लिए था? ऑयल सीड्स की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम देखें येलो रेवोल्यूशन हमने यूज किया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे जो 20th सेंचुरी में हम ऑयल सीड्स को डेवलप करेंगे। इस रेवोल्यूशन को अगर हम देखें, इससे हुआ क्या था, एक्सचेंज क्या आया था, जो एडिबल ऑयल्स है ना, स्पेशली हम ऑयल सीड्स देख रहे हैं, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है, मस्टर्ड और सनफ्लावर की प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बड़ी थी। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उस समय पर, हमारे जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है ना, कृषि पर बेस्ड अर्थव्यवस्था है, तो येलो रेवोल्यूशन ने एक मेजर रोल प्ले किया था हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। हम ऑयल सीड्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट बहुत ज्यादा होता है, देखो ऑयल का इम्पोर्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, बी दैट क्रूड ऑयल, और दूसरा खाने के लिए भी हम लोग ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो हम चाह रहे थे, क्योंकि होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के पीछे रीजन हमारे ऑयल्स रहते हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट जो डिपेंडेंसी है ऑयल सीड पे कम हो, हम लोग सेल्फ रिलायंस बन पाए, है ना, अपने ऊपर हम डिपेंडेंट बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए, बाहर पर हमारी डिपेंडेंस कम हो ऑयल सीड्स की। फिर हम बात करें कि जो हमारे फार्मर्स है, ऑयल सीड की डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, जो फार्मर्स है वो एम्पावर हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी और इससे उनका जो जीवन यापन है, लाइवलीहुड है, वो इम्प्रूव करेगा। हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हमने बात करी थी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल तरीके से हम ग्रो करते थे चीजों को, येलो रेवोल्यूशन में हमने क्या बात करी कि नई फार्मिंग टेक्निक्स हम यूज करेंगे और जो बेटर क्वालिटी है, जैसे हाई यील्डिंग क्वालिटीज जो होंगी उनको लाएंगे, ताकि जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, इन सबको हमने इम्प्रूव किया और ओवरऑल हमारी जो फार्मिंग की कैपेबिलिटी है ऑयल सीड्स की, उनको इम्प्रूव किया गया। अभी अगर हम समझने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल की कैसी स्टेट है, ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल एरिना में देखेंगे तो हम सबसे ज्यादा ऑयल सीड के प्रोड्यूसर्स हैं, अभी वन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है, हमारी रैंक सेकेंड लार्जेस्ट हम करते हैं कंज्यूमर में, कि कंजम्पशन इंडिया की सेकेंड होगी। इसके अलावा वर्ल्ड में हमारा सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हम है, कि बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हिंदुस्तान के अंदर जो आयात है, आयात में हम फर्स्ट प्लेस पे है, इसीलिए हमने कोशिश करी थी, है ना, कि हम इंपोर्ट, अभी येलो रेवोल्यूशन लाने के पीछे भी ये ना कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारी डेवलपमेंट है, एग्जिस्टिंग हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से कम है। तो अगर हम देखेंगे इसका एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में हमारी इंपॉर्टेंस क्यों है, जो ऑयल सेक्टर है ना, हमारे लैंड्स के जो 2021 2021 की हम बात करेंगे, तो हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन जो थी वो 36.56 मिलियन टन थी, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने डाटा दिया है। हमारा जो डोमेस्टिक, अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करो, कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में जो एडिबल ऑयल है ना, हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है, डिस्पैरिटी यहाँ से हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है डिमांड सप्लाई के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली 55% से 60% जो इंडिया का एडिबल ऑयल है वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करके कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक ये इशू है कि हमको बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, 55 से 60% इंपोर्ट है। फिर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पोर्ट के डायनेमिक्स में जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल में आप देखो क्रूड है, रिफाइंड है, ये सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स में, अराउंड 62% जो इम्पोर्ट का रहेगा, और मेजर सप्लायर कौन है यहाँ पर, इंडोनेशिया और मलेशिया से लेते हैं। जो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन अराउंड 22% है हमारे इम्पोर्ट्स का, ये कहाँ से हम लेते हैं, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील। इसके अलावा जो सनफ्लावर ऑयल है, ये हमारा अराउंड 15% इम्पोर्ट का है, और ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम यूक्रेन है, रशिया है, आजकल इसमें तभी इशू बड़ा हुआ है वॉर की वजह से,
कॉस्टिंग और बढ़ रही है, तभी सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ जाने की बात हो रही है ना। अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंस की जरूरत क्या है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलायंट है अपने इम्पोर्ट्स के ऊपर, इसीलिए इंडिया को एक नीड है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इसीलिए हम ऑयल सीड्स पे काम कर रहे होते हैं। और जैसे ये वॉर वगैरह होती है, कुछ भी इश्यूज होते हैं, ऑटोमेटिकली प्राइस एस्केलेट कर जाता है और हमारी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम समझने की कोशिश, कौन से कमर्शियल ऑयल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, आमतौर पर हम ग्राउंडनट है ना, मूंगफली है, मस्टर्ड, सरसों है, रेप सीड, सीसमे, सनफ्लावर, लिनसीड है ना, फिर नाइजर सीड, कैस्टर ऑयल, ये सब हम यूज करते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंस रिसेंटली सोयाबीन और सनफ्लावर की हमारी बढ़ चुकी है ना। और प्लांटेशन क्रॉप्स हमारे यहाँ पर कौन कौन सी रहेंगी, प्लांटेशन में कोकोनट है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्रॉप, हिमाचल प्रदेश इंडिया में कोकोनट की रहेगी। फर्दर अगर हम बात करें कि नॉन कन्वेंशनल ऑयल जो हम अब यूज कर रहे हैं, राइस के बार्न ऑयल है ना, कॉटन, जो कॉटन सीड ऑयल है, इनको हम यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं स्पेसिफिकली अगर समझने की कोशिश करें ना, एडिबल ऑयल सेक्टर में इश्यूज क्या क्या है, एग्रीकल्चरल चैलेंज, ठीक है, सबसे बड़ा तो क्या है, जो सॉइल फर्टिलिटी है और सूटेबिलिटी, इसका एक इशू है। जो हमारी मिट्टी है, जैसे एक रिक्वायरमेंट होती है ना, तो अलग अलग ऑयल सीड्स है, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेगी। जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट कब होता है, वेल ड्रेन्ड सैंडी या सैंडी लोमी या सैंडी क्ले सॉयल है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर ये डिग्रेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है ना, हमारे यहाँ पर केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल नहीं है ना, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमारी खराब है, इस वजह से क्या हो रहा है, यील्ड्स कम हो रही है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे आप एग्जाम्पल्स देखोगे, कुछ रीजन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या किया गया, कॉन्टिन्यूसली मोनोक्रॉपिंग की गई है। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है, एक ही क्रॉप को बार बार उगाना। तो क्योंकि महाराष्ट्र में हमने बार बार एक ही क्रॉप को उगाया, उस वजह से क्या हो रहा है, जो सोयाबीन था है ना, उस वजह से ये अब इफेक्ट कम, मतलब कम ग्रोथ हो रही है सोयाबीन ऑयल सीड की वहां पर। और हम अगर देखें पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, डिजीज मैनेजमेंट में इंडिया के अंदर जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड की यील्ड इसकी वजह से कम हो रही है, मस्टर्ड एफिड होता है हमारे यहाँ पर, इस वजह से ना कि प्रोडक्शन हमारी कम हो रही है। जैसे आप देखोगे ये ना, ये हेलिकोवर्पा अर्मीजेरिया है ना, बॉलवॉर्म कहते हैं इसको है ना, ये मेजर पेस्ट है हमारे सनफ्लावर क्रॉप्स का हिंदुस्तान के अंदर है ना, तो इसको अभी मैनेज करने से कर्नाटका में इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे। फिर अगर हम बात करें कि इरिगेशन प्रैक्टिसेस, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर जो एग्रीकल्चर हो रहा है अभी भी कैसा है, क्या वो इरिगेटेड है, नॉन इरिगेटेड है, तो ये जो एरियाज रहेगा, वैसे जो इरिगेटेड होते हैं वहां पर हमारे ज्यादा क्या होता है, चावल, ठीक है, राइस उगा रहे हैं। तो यहाँ जो ऑयल सीड जैसे सीस में है ना, ये है कुछ एक जो विदस्टैंड कर सकते हैं ड्राई कंडीशंस को, बाकी से ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट को मॉइस्चर चाहिए होता है फ्लावरिंग सीजन में, पैगिंग सेशन के टाइम पर, उस टाइम पर हमको मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, तो यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी जहां पर नहीं है वहां पर नहीं हो पा रहा है। अगर आप राजस्थान को देखोगे, बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है, बीच बीच में ड्राई स्पेल्स भी होते हैं, तो हाँ हम नहीं उगा पा रहे हैं ऑयल सीड्स प्रॉपरली। फिर अगर हम देखेंगे तो ये इकोनॉमी कुछ इश्यूज है, अगर आप देखोगे प्राइस जो है ना, प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करता है इनका, तो फ्लक्चुएशन की वजह से कि जैसे ग्लोबल मार्केट में है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेवल्स पे भी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है, तो जिसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है ना प्राइस में, तो उस फिर उसमें क्या होगा कि फार्मर भी मोटिवेटेड नहीं होगा। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि इतना मिल पाए, जैसे 2018 है सोयाबीन की क्रॉप, उस टाइम पर ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से मतलब बहुत ज्यादा सोयाबीन उगा था, तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो गया था सोयाबीन के प्राइसेस में, तो फार्मर जो थे वो परेशान हो गए थे। तो फ्लक्चुएट कुछ चीजें ऐसी ना जिसमें, या फिर वही एमएसपी गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली दे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी नहीं कंसिस्टेंट हो रही, और दूसरा अगर हम देखें कि ओवरऑल क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है वर्ल्ड मार्केट में। फिर अगर देखो हाई कॉस्ट है प्रोडक्शन की कुछ चीजों ने, अगर उत्पाद करने में आपकी कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, ठीक है, और रिटर्न्स उतना नहीं मिल पा रहे, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके लिए मोटिवेट नहीं होते। जैसे आप देखोगे इनपुट जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लेबर, ये सब बढ़ता जा रहा है, बट वही है जैसे मार्केट्स है वहां पर जैसे प्राइस हम प्रोपोर्शनली उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो लोग क्या करेंगे,
इनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे आप देखो ये ना, ये सनफ्लावर जो है, डिस्पाइट ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन वही हो रहा है महाराष्ट्र में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, मार्केट में नहीं है इतनी डिमांड। फिर अगर हम देखें कि डिपेंडेंस हमारे इम्पोर्ट्स पे है ना बहुत ज्यादा है, अगर देखो हेविली रिलायंट है हम जो एडिबल ऑयल्स है इसके इम्पोर्ट पे, स्पेशली क्या देखें अगर हम पाम ऑयल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब फ्लक्चुएशन होती है तो देश के अंदर फिर ऑटोमेटिकली इश्यूज आने लग जाते हैं। अगर आप देखोगे जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो मलेशिया की थी 2020 में लगाई गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन मलेशिया में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से 2020 में पाम ऑयल इसकी सप्लाई कम हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्राइसेस शूट कर गए थे। ठीक है, तो ये भी एक इशू रहेगा। फिर अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हमारे पास हैं, अभी भी आप देखोगे क्या ट्रैक्टर तक यूज हो रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकली हम उतने एडवांस्ड नहीं है। बहुत से फार्मर्स है जो रिमोट और मार्जिनलाइज एरियाज में रह रहे हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उससे क्या होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है। इरिगेशन की अगर हम बात, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ऑयल सीड की प्रोडक्शन से ग्राउंड नट है ना, कुछ अगर सेमी एरिड रीजन में इसको किया जाए बहुत अच्छे से हो सकता है, बट वही है कि क्या इतना हो पा रहा है, पानी वैसे ही कम होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज में हम उसको इतना यूज नहीं कर पाते क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है। जैसे ड्रिप इरिगेशन हमारा इतना यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर जैसे अगर हम देखें कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट भी हमारा इतना अच्छा नहीं है, अनुसंधान इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे जैसे राइस है, वीट है ना, रिसर्च की वही ना कि डिजीज कौन से लग रहे हैं, लेटेस्ट नई वेराइटीज को देखना, उसमें वर्क हो रहा है, बट ऑयल सीड पे इतना ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे येलो मोजाइक वायरस है ना, ये सोयाबीन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा लंबे टाइम से एक इशू चल रहा है, पर वही वायरस रेजिस्टेंट जो वेराइटीज है फार्मर्स को अवेलेबल अभी भी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो इस पे काम करने की जरूरत है। फिर अगर हम देखें जैसे हार्वेस्टिंग के बाद, जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है, ठीक है, फसल की कटाई करने के बाद उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, स्टोरेज का वैसे इंडिया में इशू है, ठीक है ना, तो अच्छी क्वालिटी स्टोरेज हमारे पास नहीं होते, तो बहुत वही होगा कि अगर ऑयल सीड है स्पॉयलेज बहुत ज्यादा हो रही है, क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि एक तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस करने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, दूसरा स्टोरेज में इशू है। अगर आप देखोगे स्पेशली जैसे बिहार है ना, तो ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड है कैसे कर रहे हैं हम, कहाँ पर रख रहे हैं, जूट बैग्स के अंदर। अगर आप ऐसे बैग्स के अंदर रखोगे तो क्या इशू होता है, पेस्ट अटैक के लिए ससेप्टेबल है, ठीक है, तो उस पर अटैक हो रहे हैं, इसी वजह से जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम अगर समझने की कोशिश करेंगे जो पॉलिसी इश्यूज है ना, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है क्या वो कंसिस्टेंट है, वो एक इशू है कि पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो हमारी पॉलिसीज रहेगी, इसी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको इशू आते हैं। जैसे आप देखोगे जो इंपोर्ट ड्यूटीज है एडिबल ऑयल की वो चेंज करते रहते हैं, इसी की वजह से जो हमारी इंटरनल मार्केट है वो डिस्टर्ब कर जाती है। वही होता है ना, एक प्रेशर लोग डालेंगे फिर ऑल ऑफ अ सडन वो एक शिफ्ट कर देंगे, तो उससे प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली उगाने वालों के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें भी इशू आता है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। और दूसरा अगर हम देखें जैसे कुछ चीजों में ना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जैसे एमएसपी होता है, तो एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूस सपोर्ट लोगों को रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपका ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उनके लिए रहेगा, चावल के लिए रहता है ना, राइस वीट हमारे काफी है ना सपोर्टेड है, बट ऑयल सीड है इसके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं बनाई गई है। फर्दर से हम इंश्योरेंस की बात करते हैं वो इतना नहीं है, लोगों को ट्रेन करना इनके बारे में नहीं है, जैसे पैडी वीट है, एमएसपी है, प्रोक्योरमेंट के लिए उसमें हेल्प की जाती है, यहाँ पर इतना सिमिलर सपोर्ट नहीं रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल होता है, और दूसरा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी इसमें होती है। और अगर आप देखो फोकस जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन पे इतना ज्यादा नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नहीं होंगे, पोटेंशियल हमारे यहाँ पर बहुत है। जैसे हम देखोगे ना कि यहाँ पे जो फ्लैक्स सीड्स है, लिनसीड ऑयल के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही हेल्दी ऑयल की तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है, बट वही है कि कितना ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर हो पा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। कोशिशें क्या करनी चाहिए,
अगर हम देखें स्ट्रैटेजीज, तो कुछ एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहला तो इनको सूटेबल ऑयल क्रॉप्स की वेराइटीज को प्रमोट करना चाहिए। पहले तो वही ना कि क्वालिटी सीड्स अगर होंगे, वहां पर एक इशू है। तो अलग अलग रीजन में इसको पहले एक स्टडी किया जाए कि एग्रोक्लाइमेटिक रीजन हमारे कैसे हैं, फिर वहां पर कौन से ऑयल सीड्स है जो बेस्ट उगाए जा सकते हैं। तो एरिया के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर टेलर की जा सकती है। जैसे एज पर द कंडीशंस हम वहां पर ऑयल सीड्स उगा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें एरिड कंडीशन है राजस्थान की, वहां पर ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है उनको उगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ग्राउंड नट है, इसकी बेटर यील्ड आएगी। और अगर हम देखें इंटीग्रेटेड पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की जरूरत है, हमने एक इशू में क्या देखा है कि बहुत ज्यादा पेस्ट इंसेक्ट्स हमारे एक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमको करनी पड़ेगी, और एक होलिस्टिक अप्रोच जो हम कहते हैं ना डिजीज मैनेजमेंट की, अगर इसको हम करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश है, वहां पर बायोपेस्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे लेडीबर्ग्स है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो एफिड है ना, एफिड की इन्फेस्टेशन को ये रोक रहा है सोयाबीन में। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ वो केमिकल्स को डालना, ठीक है ना। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम है ना, जरूरत है कुशल सिंचाई की जो है ना प्रणाली है, इसको प्रमोट करने का। जैसे गुजरात है, गुजरात ने क्या किया, जैसे ग्राउंड नट्स है, ग्राउंड नट कल्टिवेशन के लिए वाटर एफिशिएंसी उन्होंने प्रमोट करी है, इरिगेशन यूज किया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, ऑटोमेटिकली उसमें एक शिफ्ट आया है, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो यहाँ पर हमको कुछ प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे प्राइस स्टेबलाइज होंगे। जैसे फार्मर्स हैं, इनको मार्केट की वॉलिटिलिटी से बचाना पड़ेगा, एमएसपी सेट करना ऑयल सीड्स के लिए, गारंटीड एक प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी, है ना। ये हमको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करें, जो इंसेंटिव्स और सब्सिडीज है, तो कुछ है ना इंसेंटिव्स देने होंगे लोगों को एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो लोग, वही ना कि वो मोटिवेट कब होंगे। जैसे अगर आप देखो, ये सब्सिडीज दी जा रही है कुछ जगह पर, जैसे डायरेक्ट अगर हम फाइनेंशियल सब्सिडीज दिए जाए कि इतने हेक्टेयर प्रोड्यूस करने के लिए इतनी सब्सिडी दी जाएगी, सीड्स में सब्सिडी दी जाए, ठीक है। और वॉलिटिलिटी, इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली वॉलिटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता है ना। फार्मर्स आर नॉट मोटिवेटेड टू ग्रो सच क्रॉप्स, क्यों, है ना, वही एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें, डिपेंडेंस है, तो सबसे ज्यादा तो ये डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट्स पे है, ये हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है ना। जो डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट की है, इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे पाम ऑयल कल्टिवेशन आंध्रा और तेलंगाना में लाया जा रहा है, पाम ऑयल पे हम डिपेंडेंट हैं, ये सबसे ज्यादा पाम ऑयल को कर रहे हैं। तो अब अलग अलग जगहों पर इसको प्रमोट किया जा रहा है उगाने के लिए। फिर अगर हम बात करें कुछ टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, हम की रिसर्च है ना, तकनीकी रणनीतियां कैसे हो सकती है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग इन्वेस्ट करें, R&D में हम करेंगे। जैसे ऑयल सीड के अलग अलग वेराइटीज है, हाई यील्ड वेराइटीज कौन है ना, डिजीज रेजिस्टेंट कौन है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने डेवलप करी है मस्टर्ड की वेराइटीज, GM मस्टर्ड हम देखते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्होंने बनाया है, हाई यील्डिंग वेराइटीज है, रेजिस्टेंट है। तो इस तरीके से है ना, और वेराइटीज पे भी हम काम कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग, क्योंकि फार्मर को भले ही हम नई चीजें बना भी दे, अगर किसानों को आधुनिक जो हमारी कृषि की तकनीकें हैं उनका प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली काम नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग जरूरी है, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपने फार्मर्स के लिए क्या किया, एक सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिव ना इंटेंसिफिकेशन टेक्निक, पैडी की उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, तो वैसे ही उसको अडॉप्ट किया ऑयल सीड्स ग्राउंड नट के लिए, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी एक सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन का यूज किया है, उसी को उन्होंने ऑयल सीड में लगाया, और उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है। फिर एक जैसे हम इश्यू देख रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का, तो इस पे हमको काम करना पड़ेगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि लॉसेस बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जरूरी है। तो हमारे यहाँ पर जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज पंजाब में कर रहे हैं ऑयल सीड्स के लिए, है ना, सनफ्लावर के लिए। उससे होता क्या है, ऑयल सीड्स में अगर हम, जो हमने पाया कि वहां पर
ओवरऑल वेस्टेज कम हो रही है, लॉन्ग टर्म जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ रहा है। तो ये हम बाकी जगह भी कर सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इनको इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा जैसे पॉलिसीज है ना, हमको बहुत ज्यादा अपनी नीतियों में सुधार लाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज में सुधार लाना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी फार्मर की नीड्स है, जरूरतें हैं, उनके हिसाब से इनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे जो डिसीजन गवर्नमेंट का कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस चीज में है, इसमें देने के लिए गवर्नमेंट ने किया था कि फेयर प्राइस सब फार्मर्स को मिले, तो सारे ऑयल सीड्स में इसको इंट्रोड्यूस करना। और गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज है उसको कंसिस्टेंट रखना, कि एक बार दे दिया बट कंटिन्यूअस रहे। इसके अलावा जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन क्या होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, है ना, वो आपस में कोलैबोरेट करें। जैसे ना, अगर ये जो फार्मर कोऑपरेटिव्स है कुछ स्टेट में, महाराष्ट्र की, उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनको इकट्ठा किया। उससे क्या होता है, जब फार्मर्स इकट्ठे हो रहे हैं कोऑपरेटिव में, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, जो अपनी जरूरतें हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। बार्गेनिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना, वो पॉलिसी की डिमांड करेंगे ना। गवर्नमेंट से जब डिमांड उनकी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उनके लिए नई पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है ना। तो वही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अगर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा है तो लोग आगे आते हैं। फर्दर अगर आप देखें कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमारे यहाँ पर जरूरी है, जागरूकता है ना, लोगों के बीच में इतनी नहीं है। अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एडिबल ऑयल्स लोगों के बीच में प्रमोट करेंगे, हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है, कुछ कैंपेन्स की जरूरत है। जैसे अगर आप देखो, कुछ कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट है ना, उसकी फ्रेशनेस के बारे में लोगों को बताया गया, मस्टर्ड ऑयल की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया गया, तो क्या हो रहा है, लोगों की फिर प्रेफरेंस चेंज होने लग जाती है ना। जब प्रेफरेंस चेंज होने लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की डिमांड बढ़ने लग जाती है, ठीक है, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। जैसे आजकल देख रहे हो ना, कोल्ड प्रेस्ड आप ऑयल्स डिस्कस हो रहे, कोल्ड प्रेस किया, जैसे वो लकड़ी के साथ, एक तो मशीन में होता है, ठीक है ना, एक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन्स भी यूज होती है, बट उसमें वही होता है कि जैसे लकड़ी के वो दबाने वाले जो होते हैं ना, प्रेस के जो यूज की जा रही है, तो थोड़ा उससे क्या हो रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, फिर लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, वो मोटिवेट होगा उगाने के लिए। तो वही पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी रहेगी, ठीक है, तो इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारी अगर हम देखें, तो ये कैसे ऑपरेट करती है, एडिबल ऑयल ये ओपन जनरल लाइसेंस फ्रेमवर्क के अंडर काम करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए जो फार्मर्स में इंटरेस्ट के, गवर्नमेंट क्या करती है, पीरियोडिकली रिवाइज करती रहती है जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, शुल्क की संरचना है, उसको ओवर द पीरियड शिफ्ट करती रहती है। अगर हम समझने की कोशिश करें, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ठीक है, हमने स्पेसिफिकली ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है ना, पाम के लिए स्टार्ट किया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, ये किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेटिव इफेक्ट है। स्पेसिफिकली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान और निकोबार रीजन में, ताकि हम जो पाम ऑयल है, सबसे ज्यादा यही इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इनको प्रमोट करने की कोशिश। जो मिशन है ये क्या एक्सपैंड करेगा, जो पाम ऑयल कल्टीवेशन है ना, इसमें एरिया हमने बढ़ाना है, जो ऑलरेडी है हमारा वनस्पति ऑयल में एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर है ना, 25-26 तक हमने इसको करना है। और ओवरऑल स्ट्रीमलाइन करने के लिए देखो, डाटा मैनेजमेंट जो है वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में, तो हमारा जो डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर करा है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, इसको और इन्होंने किया क्या है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, EVEGOILS.NIC.IN। ये जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इससे क्या चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड के अंडर इसको कर रहे हैं, वही कन्वर्जेंस होता है ना, नॉलेज की कन्वर्जेंस इससे आएगी। ये क्या फैसिलिटेट करता है कि ऑनलाइन जो डाटा है, वेजिटेबल ऑयल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस सारे डाटा को कंपाइल किया जाए, फिर उसके बेसिस पर पॉलिसी मेकिंग हो सकती है ना। फर्दर अगर हम देखेंगे तो पोर्टल है, इसमें कुछ फीचर्स जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, जो भी मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं उसको इसमें डाला जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। तो अभी गवर्नमेंट है वो ये स्टेप्स ले रही है ऑयल सीड के एरिया में, ठीक है, वही जैसे कॉन्फ्लिक्ट
रशिया का है, उस टाइम पर यूक्रेन वाला इशू उठता है, तो जैसे ही ये प्रोडक्शंस कम होने लगती है, मार्केट में प्राइसिंग बढ़ने लगती है, तो ऑटोमेटिकली इशू उठ के डिस्कस होने लग जाता है। फिर वही की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रहा है इसको प्रमोट करने के लिए, और सेल्फ रिलायंट पर, एक सेल्फ रिलायंस जो है वो यहाँ पर डिमांड की जा रही है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी आंसर करना है ना, एक एग्रीकल्चरल चैलेंज जिस मेजर अगर थीम्स है जिस पे लिखना होता है, एग्रीकल्चरल एक थीम होता है, इकोनॉमिक एक थीम होता है, टेक्नोलॉजिकल एक थीम होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक थीम है, तो ये चार थीम्स ऐसे हैं आप सिमिलर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके अलावा फिर हमेशा हर एक में देखो इकोनॉमिक इशू होगा, टेक्नोलॉजिकल इशू होगा और पॉलिसी का इशू होगा। ये तीन चीजें तो ऐसी है ना, किसी भी क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो। बाकी हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप जो एक कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट फैक्टर्स भी होते हैं ना, बट ये ऐसे है कि ये बाकियों में भी एड ऑन हो सकते हैं। ठीक है ना।